हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, दोस्तों क्या हाल है आपके। वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज ये जो क्लास हो रही है अपनी, ये एक तो ओरिएंटेशन क्लास की तरह है ज्योग्राफी की, जिसके अंदर में हम कोशिश करेंगे कि हम ज्योग्राफी के सिलेबस को जान सकें और ये बता सकें कि प्रीलिम्स के अंदर में क्या आ रहा है, प्रीलिम्स में इसका कितना वेटेज है, मेंस के अंदर में क्या क्या है हो सकता है, कैसे उसको हम अप्रोच करेंगे। मेरा नाम है अभिराज सहारन और मैं यहाँ पे ज्योग्राफी की क्लास लूँगा आपकी। और ज्योग्राफी की क्लास के साथ साथ पहल एकेडमी के रिलेटेड सारे डाउट आज आपके क्लियर किए जाएंगे। सबसे पहले ये हमने खोल के रखा हुआ है यहाँ पे pehlacademy.com। सबसे पहले अपनी साइट है, ये जो वेबसाइट है, इसका एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ वेबसाइट से भी एक्सेस इसको कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली है क्या पहल एकेडमी? पहल एकेडमी हमने एक ऑनलाइन इनिशिएटिव शुरू किया है। ये ऑनलाइन आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको आरएस, जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अब इसके अंदर में क्या क्या आ रहा है और हमने क्या क्या हमारे कोर्सेज चल रहे हैं और किस कोर्सेज का क्या क्या है ये हम करवा रहे हैं अभी, इसके बारे में हम आज अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले अकेडमी के अंदर में क्या है, उसके बाद में हम ज्योग्राफी वाला पोर्शन शुरू करेंगे, फिर हम ज्योग्राफी का थोड़ा सा पोर्शन है जो आज हम स्टडी करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट कल से पूरी ज्योग्राफी की क्लास शुरू करवाई जाएगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या है। अब जब पहले अकेडमी ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको ये होम पेज दिखता है जिसके अंदर में हमने लिखा हुआ है कि क्रैक आरएस विद बेस्ट एजुकेटर। अब बेस्ट एजुकेटर को में कौन कौन आता है? बेस्ट एजुकेटर में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर है जो आपको करवा सकते हैं, लेकिन हमने लिखा है कि बेस्ट एजुकेटर्स। तो बेस्ट एजुकेटर्स के अंदर में जैसे मैं हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी ज्योग्राफी के अंदर में बेस्ट हूँ। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी मेंटर्स हैं, मैं टीचर्स नहीं बोलूँगा, टीचर्स आप नहीं कह सकते कि टीच करने टीचर्स मेरे हिसाब से स्कूल लेवल पे ठीक होता है। अभी हम हो गए हैं मेंटर्स, जिसके अंदर में जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको पूरा एक्सपीरियंस हो कि इस प्रोसेस का, जिसको पूरा एक्सपीरियंस हो प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, किसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स दोनों ने ले रखे हैं, वो कैसे आपको उनमें कैसे आप अप्रोच कर सकते हो, कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जैसे ज्योग्राफी के अंदर में जो हम अभी स्टडी करेंगे आपको आइडिया आ जाएगा, हम पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी है जो मैं हम यूट्यूब पे डालने वाले हैं, जो वो वाला पार्ट है जो मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है वो पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। हर दिन क्लासेस होगी, कोशिश करूंगा कि मैं लाइव क्लास ले पाऊँ, आपसे इंटरेक्शन कर पाऊँ, लेकिन ये फर्स्ट आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी तो लाइव क्लास नहीं हो पाई अभी। तो आज की क्लास हम ऐसे ही करेंगे कंटिन्यू, जिसके अंदर में बेसिकली डिस्कशन करके। तो बेस्ट एजुकेटर की बात चल रही थी, तो एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स का ये मतलब नहीं कि हमें हर सब कुछ आता है, सब कुछ नहीं आता है हमें, लेकिन हमें प्रोसेस की इतनी जानकारी है, प्रोसेस का मतलब है कि प्रीलिम्स का इतनी जानकारी है और मेंस की इतनी जानकारी है और इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन तक की पूरी हमें नॉलेज है। तो जो मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया उसमें मेरा 100% आपके साथ योगदान रहेगा, जिसके अंदर हम बेसिकली फंडामेंटल जो बुक्स है, एनसीईआरटी की बुक है, आरबीसी की बुक है, जहाँ से सवाल आते रहे हैं, उनको हम कैटेगोरिकली स्टडी करेंगे एक एक को, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। इसी तरीके से हम हिस्ट्री के स्टडी, हिस्ट्री के टीचर है जो बेस्ट है वो स्टडी करवाएंगे आपको, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के हैं। इसी तरीके से मेंस के जो सारे सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट हो गए या किसी भी तरीके के सारे सब्जेक्ट है, जो एथिक्स होगी, पबेड होगी, वो सब हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमने क्या क्या शुरू किया है, इसके अंदर में आपको क्या प्राइसिंग रहेगी, कितनी आप अफोर्डेबल तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं और आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए अगर आप इसके साथ कनेक्ट होते हैं तो उसके साथ सबसे पहला है हमारा यूट्यूब चैनल। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे चेकआउट, अगर यूट्यूब चैनल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप साइट पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे जाके पहला अकेडमी सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस जो है वो करंट के अवेलेबल है। इसके अंदर में हमने कोई राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की 10th बोर्ड की आरबीसी बुक्स करवाई हुई है, तो उसके वो सब एग्जाम के लिए उपयोगी है। एसआई का आएगा, वो भी आरपीएससी के पैटर्न पे होता है, आरएसएसएमबी वाले करवाते हैं, वो भी अभी जो वीडियो में हुआ था उसमें हमने क्वेश्चन देखे, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से डायरेक्ट आए हुए हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही है, वो जरूर ज्वाइन करिए। तो यूट्यूब वाला सेक्शन ऐसा है जो चाहे आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपके लिए एड ऑन करेगा, ये पूरा एड ऑन करेगा कि हम इस पे लाइव रहेंगे हमेशा। कोशिश रहेगी अब आगे से कि हम जल्द से जल्द लाइव जुड़ पाएं आपके साथ, तो जितने भी क्वेश्चन आंसर है आप वहां पे पूछिए हमसे, ठीक है। ये हो गया हमारा यूट्यूब चैनल का। अब सबसे दूसरी बात आती है कि यहाँ पे हम और क्या अवेलेबल करवा रहे हैं आपके लिए, ये पहल फाउंडेशन है। अब कहने के लिए ये पहल फाउंडेशन है, लेकिन जब हम इसको ओपन कर लेते हैं अभी, इसके अंदर में क्या है, पहल फाउंडेशन है, लेकिन ये है मेनली इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन यानी कि जो फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा है, जिसको कुछ भी नहीं पता है वो भी कर सकता है, और जिसने ऑलरेडी किया हुआ है वो भी इसका प्रिपरेशन कर सकता है। कैसे कर सकता है कि आरएस फाउंडेशन है, उसमें इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स आपका है और यहाँ पे आपने दिया हुआ है मीन्स, देख लीजिए अच्छे से, ये हिंदी बैच है,
इसमें पूरा हिंदी का करवाया जाएगा। मेरी क्लासेस जो मैं बेसिकली इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मेरी क्लासेस बाइलिंगुअल रहेगी, जिसमें आपको हर एक कंसेप्ट, वैसे भी ज्योग्राफी में कुछ नहीं होता, आपको पठार माउंटेन्स याद करने हैं, प्लेटू याद करना, प्लेन्स याद करना है, तो हमें पता है कि उसको क्या बोलते हैं, मैदान बोलते हैं उसको, जिसमें एक्स याद करनी है उसको झील बोलते हैं, तो सारी चीज़ें बाइलिंगुअल अवेलेबल रहेगी। तो इंग्लिश की मीडियम के लिए भी है और हिंदी मीडियम के लिए भी ज्योग्राफी का पूरा अवेलेबल रहेगा। और भी टीचर है वो कोशिश करें कि इसमें बाइलिंगुअल आपके लिए जितना है इंग्लिश हिंदी के लिए मैटर अवेलेबल करवा सकें। तो इस आरएस फाउंडेशन के लिए इंटीग्रेटेड स्टडी हो रही है प्रीलिम्स और आरएस मेंस की। तो अभी जो भी हम करवा रहे हैं वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक, अभी नोटिफिकेशन आ सकता है कभी भी, 3 या 3.5 महीने में, हमारे हिसाब से 4 महीने आपको मिलने चाहिए प्रीलिम्स के लिए, और नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम हो सकता है आरएस का। तो अभी से आपको प्रिपरेशन पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए आप यहाँ पे लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट फैकल्टी डेली 3-4 आवर लाइव क्लासेस है, अभी शायद ये बढ़ के 5 क्लासेस हो जाएगी मेरी, अगर ज्योग्राफी की क्लास भी अगर अकाउंट करते हो तो लाइव आपको 1 आवर की क्लास रखी है हमने, 5 क्लासेस आपकी हो जाएगी। अरे 1 आवर की क्यों रखी है, 1 आवर में क्या हो जाएगा, 1 आवर में बहुत कुछ हो जाएगा अगर आप ढंग से उसको फॉलो करते हैं, आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन करके करते हैं, तो रिटेंशन रेशियो ये रहता है कि 50-55 मिनट के बाद में आप नहीं पढ़ सकते, आपको गैप चाहिए होता है। और ऑनलाइन में ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट गैप ले लिया फिर आप वापस शुरू करें, ऐसा नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं होती है। लाइव क्लास के अंदर में चाहे आप इंटरेक्शन भी कर लेंगे तो 1 घंटे की क्लास होती है, वो 1 से 1.25 घंटे की हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, जिस दिन ज़्यादा इंटरेक्शन हो जाएगा, तो वो 1 घंटे का जो आपकी ये 5 घंटे हैं उसके बाद में जब आप ये लाइव क्लास ले लेते हो, या फिर आपको नहीं लेनी है लाइव क्लास, आप मिस कर गए, तो उसके बाद में आपने रिकॉर्डिंग्स उनकी हमेशा अवेलेबल रहेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, फाइनल मेंस नहीं हो जाता है तब तक आपके लिए पूरा अवेलेबल आएगा, या फिर जब तक फाउंडेशन कोर्स की वैलिडिटी, तो ये है कि अगले अगस्त 2023 तक अवेलेबल है अगर आप अभी लेते हैं। तो इसमें इसके अलावा भी कोई दूसरे एग्जाम के लिए आपको रिवीजन करना है या पोस्ट मेंस तब तक नहीं हो पाती है, तो जब तक मेंस नहीं होगी या फिर ये 23 अगस्त तक है हम, तब तक अवेलेबल करवाया जाएगा। तो रिकॉर्डिंग क्लास आपने 2x करके भी सुन ली, उसके नीचे मॉड्यूल्स दिए उनको हल कर लिए, तो आपके लग रहे हैं 5 घंटे, 5 घंटे में रिकॉर्डिंग सुनोगे, मुझे लगता है जल्दी जल्दी सुनोगे आप, तो इसमें 4 घंटे में काम हो जाएगा। अब 4 घंटे के अंदर में उसको एड ऑन करने के लिए सिर्फ स्पेसिफिक, चाहे हम कितना ही मटेरियल तैयार कर लें, आपके लिए कितना ही मटेरियल प्रीलिम्स में अवेलेबल करवाएंगे, मेंस में भी करवाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल है जो आपको खुद भी पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ी करंट अफेयर जो हम करवा रहे हैं वो भी करना, रिविजन करना पड़ेगा आपको, तो वो भी एड ऑन हो गया एक तरीके से, वो भी 1 घंटे की, मान लो करंट अफेयर आपका, हम तो वीकली हम पूरा रिविजन करवा रहे हैं, लेकिन आपको साथ साथ में बने रहना पड़ेगा। हमें पता है कि चाहे कितना भी एक इंस्टीट्यूट कर लो, आप सब इंस्टीट्यूट के देखोगे या कोई बेसिक बुक्स पढ़ रहे हो, जो बुक्स की लिस्ट आएगी पूरी लिस्ट बनाएंगे, एक दिन इस पे वीडियो करेंगे पूरा, तो वो आएगी, उसमें भी आपको 2-3 घंटे लगेंगे, और एवरेज आप 7 से 8 घंटे तक ही अगर ढंग से करें तो पढ़ पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, कभी भी नहीं हो पाता, कोई भी बोल दे मैं इतना घंटे पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ पाते आप 8 घंटे तक। अब ऑनेस्टली आप कर रहे हो तो ये 8 आवर्स आपके लिए सफिशियंट है, सफिशियंट, ये 4 महीने भी अगर आप कर लेते हो 8 घंटे की क्लासेस तो भी बहुत ज़्यादा है। और इसकी प्राइसिंग करते हैं, चलो इसके अंदर में हमने प्राइसिंग रखी हुई है यहाँ पे 11,000 रुपीज़, ये पूरा जीएसटी वगैरह सब कैलकुलेट, टैक्स कैलकुलेट करके 11,000 रुपये सिर्फ आपके लिए प्राइसिंग है। 11,000 रुपये में आपको प्रीलिम्स मिल रहा है, उसके बाद मेंस मिल रहा है। अभी देखो प्रीलिम्स होते ही भागदौड़ी होगी कि मेंस के शॉर्ट टॉपिक्स है उनको भी अच्छे से करवाना है आपको, तो वो चीज़ें हम हमेशा आपके साथ अवेलेबल है अगर आप इसमें ये फाउंडेशन बेस पूरा कर रहे हो, कोशिश रहेगी। अगर आप नहीं भी ले रहे हो तब भी आपके पास में वो मेंस के अलग से स्पेसिफिक मॉड्यूल्स है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे, प्रीलिम्स के भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो ये तो हो गया अपना काम आरएस फाउंडेशन बेच का, लेकिन इसके अलावा और हमारे पास, चलो होम पेज पे चलते हैं वहीं से देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा आरएस प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज का। आरएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज तो सबको करनी पड़ेगी, अगर आप बिना प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के जाते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपका 10% टुक्का लग के हो जाए तो भले ही, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हो, कहीं करो इंस्टीट्यूट का फर्क नहीं पड़ता, कहीं करो, लेकिन प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना है आपको, इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना। आपको लगता है अब आप अगर फाउंडेशन का छोड़ दो बोल तो हमें तो आता है, हम तो दोबारा कर रहे हैं, इसकी कितनी बार ही दे हो, 3री बार भी दे रहे हो, 4थी बार भी दे रहे हो, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हो, तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करनी पड़ेगी आपको। अब चाहे कहीं से करो, लेकिन अगर आपको हम प्रोवाइड जो करवा रहे हैं वो मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे 25 टेस्ट हो रहे हैं, 25 टेस्ट होंगे जो अभी शुरू किए गए हैं, 2 टेस्ट उनमें हो चुके हैं, इस संडे को 2nd टेस्ट हो चुका है हमारा, ठीक है। 25 टेस्ट है, हमेशा अवेलेबल हैं जब तक प्रीलिम्स नहीं होते, जनवरी में हो तो भी अवेलेबल रहेगा, ये खत्म होगा मॉड्यूल वाइज, तो 7 दिन के अंदर में सिलेबस देख लो आप, 7 दिन के अंदर में अगर आप ज्वाइन करते हो तो 7 दिन में शेड्यूल दिया हुआ है, राजस्थान हिस्ट्री आपको कवर करनी है तो राजस्थान हिस्ट्री आप आराम से पढ़ो, उसको कवर कर लिया, उसके बाद में इसका टेस्ट देख के देख लो। 150 क्वेश्चन जो आते हैं हमारे पूरे वही है,
ये पड़ेगी आपको 2500 रुपये है, 2000 रुपये का प्राइसिंग चल रहा है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा इसका। ये 2000 रुपीज़ है, इसके अंदर में 25 टेस्ट है जिसके अंदर 15 मॉड्यूल वाइज टेस्ट है और 10 फुल टेस्ट के रखे गए। 10 फुल टेस्ट ज़्यादा है, 15 मॉड्यूल वाइज भी काफ़ी है आपके लिए। 25 टेस्ट करते हो, 150 क्वेश्चन करते हो तो काफ़ी आपको कवर हो जाएगा, अराउंड 3500 के ऊपर से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जो कि मुझे लगता है सफिशियंट है। लेकिन प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मिनिमम पढ़ना भी तो है, पढ़ना है उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में प्रीलिम्स हो जाएगा। मान लो आपके यहाँ से प्रीलिम्स हो गया इससे, तो उसके बाद में बहुत सारा सिलेबस है मेंस का। तो मेंस का सिलेबस इसीलिए हमने आरएस मेंस पेपर 4, जिसके अंदर में क्या है, हिंदी प्लस इंग्लिश दो है, दो चीज़ होती है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के अंदर में मार्क्स लाने जरूरी है, सिर्फ हिंदी से कुछ नहीं होगा। इस बार भी प्रॉब्लम हो गई थी जिनके सिर्फ हिंदी के अंदर में मार्क्स आए हैं, जिनके सिर्फ हिंदी के अंदर में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं, वो पहुँच रहे हैं 100 ज़्यादा से ज़्यादा। आप कर भी हिंदी के अंदर में, अब मान लो उनकी इंग्लिश हिंदी के अंदर में 100 तक आ गए, 90 तक आ गए, लेकिन आपको इंग्लिश में क्या मिल रहा है, इंग्लिश में किसी के 15 है, किसी के 20 है, और इसके अंदर में 80-90 का रेशियो रहता है, 110 से ऊपर नहीं जा रहे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत से 148-138 है, कैसे आए हैं वो, क्योंकि इनके इंग्लिश में भी ज़्यादा है, हिंदी के अंदर में भी ज़्यादा है। अब ये दोनों चीज़ें प्रीलिम्स के बाद अगर आप करने की सोच रहे हो, और वो भी पूरे सिलेबस के साथ, पबैड करनी है, एथिक्स करनी है आपको, सारे जो सब्जेक्ट हम कर रहे हैं प्रीलिम्स के स्पेसिफिक, वर्ड ज्योग्राफी लिखना कैसे है, प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे मतलब ही नहीं कोई, तो प्रैक्टिस करनी है, कहाँ टाइम मिलेगा। अभी तो आप हम 5 घंटे क्लास ले रहे हैं, उसको भी उसके अलावा हम देख रहे हैं कि 3 घंटे अपने से पढ़ लेंगे, 8 घंटे तक पढ़ पाएंगे। ये 8 घंटे का पढ़ा के नो कर दोगे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच। किसी को लगता है कि उस टाइम 18 घंटे पढ़ के हम कवर कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। तो उससे अगर आप सोचो कि 9 घंटे में 10 घंटे में बढ़ा दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, तो कितना कवर कर लोगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो 4th पेपर है, जो स्टेटिक है, जिसका प्रीलिम्स में कोई योगदान नहीं है, जिसको आप हर दिन 1 घंटे की अगर क्लास ले रहे हो, 1 घंटे की क्लास ले रहे हो, तो भी इसको प्रीलिम्स जब तक आएगा, प्रीलिम्स का अगर 2 महीने पहले भी छोड़ोगे इसको, और अभी से शुरू कर दिया किसी ने, अगर हमारे साथ में जिन्होंने शुरू किया वो भी बेनिफिटेड है काफ़ी, और अगर आप अभी से शुरू करोगे तो पीछे की वीडियो भी आप देख सकते हो, लेकिन लगभग 35 वीडियोज़ हो चुके हैं, 35 धीरे धीरे, जब हमने शुरू किया था हमें पता भी नहीं था इतना जल्दी हो जाएगा ये। लेकिन जैसे हमने वीक के अंदर में 5 दिन क्लास होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा मेंस जो पेपर 4 की उसकी, उसमें हिंदी भी करवा रहे हैं, एडवांस इंग्लिश भी करवा रहे हैं, पूरा का पूरा सिलेबस आपका प्रिपरेशन हो जाएगा अगर आप में प्रीलिम्स से पहले पहले, अच्छा प्रीलिम्स से पहले आपका मेंस पेपर 4 हो गया, उसके बाद में क्या आपका क्या हो गया 25% कंप्लीट हो गया, उसके बाद में 3 को आप कर सकते हो, और इनका जितना की है उनकी फुल प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि 4th पेपर ऐसी चीज़ है जिसको आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ लिया वर्ड ज्योग्राफी पढ़ ली, रट्टा मार लिया, माउंटेन का रट्टा मार लिया, 2 नंबर के आएगा ये तो कर लेते हैं, लेकिन 4th पेपर में क्या करोगे, 4th पेपर में कर भी लिया तो रट्टा आपको रट्टा भी मारना पड़ेगा, ग्रामर का कुछ ना कुछ तो समझना भी पड़ेगा, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों की ग्रामर समझनी पड़ेगी, लिखना कैसे होता है वो भी करना पड़ेगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा काम रह जाता है। अभी काम रह जाता है इसके लिए क्या करेंगे, इसकी है हमारी 5000, अभी ये 3000 के अराउंड चल रही है, 40% ऑफ में 3000 में कुछ भी नहीं, आपको हिंदी प्लस इंग्लिश पूरा कोर्स मिल रहा है, और हमारे हिसाब से इसके 100-110 वीडियो हो जाने चाहिए, 100 के अराउंड वीडियो हो जाएंगे। अब 100 की वीडियो डेली 1 घंटा करना है, डेली 1 घंटा कर लो, जितनी प्रैक्टिस सीटीज के साथ मिल रही है वो अभी अभी करते रहोगे तो याद हो जाएगा पूरा का पूरा, चाहे प्रायवाची आ जाएगा, चाहे संधि कर लोगे, संधि की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको बर्डन ही नहीं रहेगा। ठीक है भाई, एक पेपर हो चुका है, उसके बाद दोबारा प्रीलिम्स के बाद प्रैक्टिस कर लेना, तो क्या बचता है, उसमें कुछ नहीं बचता। तो वो इसके लिए ये कोर्स स्पेशल चल रहा है हमारा कोर्स 4th पेपर के लिए, क्योंकि ये 4th पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं है, सबसे स्टेटिक पार्ट है, सबसे आसान पार्ट है, इंग्लिश एडवांस लेवल की रहेगी। आपको लगता है आपकी इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से तैयार करनी है, बहुत अच्छे से इंग्लिश एडवांस लेवल, मतलब जिसको लगता है कि मेरी थोड़ी बहुत आती है लेकिन मैं अभी मेरे को इंप्रूवमेंट करना है, उसके लिए ये इंग्लिश एडवांस लेवल रहेगा। अब बात आती है कि जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है उसके लिए क्या कोर्स अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। अभी आप चलते हैं कोर्स पे, और क्या कोर्स अवेलेबल है, और क्या फैसिलिटी आपके लिए ये पहले अकेडमी के अंदर में अपनी अवेलेबल है। देखो, अगर किसी को कोर्स नहीं आ रहा, बिगिनर्स है, बिल्कुल बिगिनर्स मतलब जिसको बिल्कुल नहीं आ रही, डरने की बात ही नहीं है, इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान भाषा मानता हूँ मैं इंग्लिश को, बहुत ही आसान भाषा है। इसके अंदर में सिर्फ 1000 रुपये, 1500 का 1000 का डिस्काउंट, 500 का डिस्काउंट चला है, 1000 रुपये के अंदर में सब RPSC एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। इसमें अराउंड 70-80 वीडियोज़ होंगे जो अवेलेबल होंगे। अभी लाइव क्लास में आप जुड़ सकते हैं, आप चाहो तो इसको खरीद सकते हैं, कभी भी बाद में रिकॉर्डिंग भी कभी भी सुन सकते हैं, कोई अवेल इसमें नहीं है। जब भी आप खरीदोगे, लगभग 1 साल की, अभी से ले रहे हैं तो 1 साल की वैलिडिटी इसकी अलग से रहेगी। तो इसमें बेसिक से हम शुरू करवा रहे हैं कि ही क्या होता है, आई कैसे यूज करते हैं, एज, आरम, कहाँ वर्ब यूज होती है, क्या एडजेक्टिव है, क्या
नाउन प्रोनाउन सब इसके अंदर में वर्ब्स कौन सी है जो फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है। तो ये आपका अगर इंग्लिश आपको चाहिए कि आपके सिर्फ 10-12 नंबर आ रहे हैं तो भाई आप कैसे नंबर आओगे, फोर्थ पेपर में कैसे नंबर लेके आओगे, सोचो आप। अगर फोर्थ पेपर नंबर नहीं लाओगे तो क्या कितनी सीट होती है ऊपर, स्टेट सर्विस की तो बहुत कम सीट होती है। तो उसके अंदर में क्या फ़ायदा हुआ अगर इसको प्रीलिम्स देने का, फिर आपको मेंस देने का, फिर आप इसके अंदर में एक साल वेट करते हो, 6 महीने वेट कर रहे हो रिजल्ट। रिजल्ट तो पहले ही पता है, जब आपको पता है कि 10 नंबर आ रहे हैं तो फाइनल के अंदर में तुक्के से भले ही चले जाओ लेकिन बहुत जोर आएगा इसके अंदर में जाने के बाद, तो कवर नहीं कर पाओगे। तो अगर इंग्लिश में लगता है आ रहा है तो फोर्थ पेपर कंबाइन ले लो, जिसके अंदर में 30 से लेके हमारे हिसाब से 40 क्लास होनी चाहिए इंग्लिश की, जिसके अंदर में पूरा कोर्स करवाया जाएगा। लेकिन उसमें ये नहीं समझाएंगे कि सी क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वो आपको अगर कंफर्टेबल है तो उसको वो करिए, उसमें पूरी गलतियां सुधारी जाएगी। उसके बाद में प्रीलिम्स के बाद जैसे टेस्ट शुरू होंगे तो टेस्ट भी फोर्थ पेपर के उसके अंदर में इंक्लूड कर दिए जाएंगे, तो सेम चीज़ में आपको पूरी प्रैक्टिस मिल रही। अभी आ गया इंग्लिश कोर्स हो गया आपको, अब आता है कि ठीक है सब कुछ आ रहा है हमें तो, लेकिन हमें प्रॉब्लम है किसी को। अब दूसरा सबसे टफ पार्ट क्या पड़ता है, दो चीज़ें पड़ती है अभी तक जिसे हमने रियलाइज़ किया इसके अंदर में, एक तो पड़ता है साइंस, एक तो है आपका साइंस और एक आपका पड़ता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री इसलिए पड़ता है कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लेंदी है, जब आप पढ़ने लगते हो प्रीलिम्स के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से तो आप क्या करते हो, एंशियंट हिस्ट्री है, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है, मॉडर्न भी आता है, आपका मिडाइवल भी आता है, वेटेज से कितना भी हो वेटेज सेम है, 65 65 75, ठीक है होता रहता है ऊपर नीचे, ये सेम चीज़ साइंस का है। लेकिन आप इग्नोर किसी को चीज़ को नहीं कर सकते, हर दो नंबर मैटर करते हैं। तो आपको कंसोलिडेट तरीके से तैयार करने के लिए, अगर आपको लगता है कि आपकी साइंस वीक है बाकी सब कुछ आपको आ रहा है, तो साइंस के अंदर में ये देखो 1299 रुपये हैं, ये अभी एक दिन डिस्काउंट चलेगा, लेकिन ये 1499 का है जो शायद अभी तक था, लेकिन आज हमने और इसको कम किया, 1299 रुपये का है ये, एक दिन डिस्काउंट चलेगा, आप चाहिए तो ये साइंस और साइंस टेक स्पेसिफिकली ये कौन करवा रहा है, मेंग सर करवा रहे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं 208 उनके आर एस के अंदर में, बहुत अच्छा करवाते हैं, ऐसा नहीं कि लेने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा अच्छे से कंसेप्ट समझाएंगे आपको। अभी इन्होंने क्लास ली थी 15 हो या फिजिक्स क्लास चल रही है, तो उसके अंदर में हम एक दिन कर रहे थे, लाइट वाला टॉपिक आया था, तो लाइट वाले के अंदर में साउंड का टॉपिक आया था, एक साउंड वाला किया, वीडियो में इसमें क्वेश्चन आए तो वीडियो में इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था वो, किसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। तो ये जो बेसिक है ना साइंस, एक बार इसको क्लियर कर लो, जिसकी नहीं है क्लियर नहीं है, जिसको लगता है कि मेरे को इंप्रूवमेंट करना है, वो इस तरीके से स्पेशल कोर्स लेके, उसको कुछ भी नहीं होता, ये आपको 1299 में क्या दिख रहा है, अभी दिख रहा है, लेकिन जितना आप यहाँ पे डिले करोगे सिलेक्शन लेने के अंदर में, या तो इतना इससे कहीं ज्यादा आप खर्च कर दोगे, पढ़ने पे कोई खर्चा नहीं होता, ये तो खर्चा है नहीं है, ये तो 1299 में एक तो टैग की फीस मान लो आपको ऑनलाइन जहाँ बैठे हो वही मिल रहा है पूरा का पूरा। एक अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा पोर्शन रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई मेहनत कर रहा है इतनी नॉलेज है तो नॉलेज थोड़ी सी उसको पेमेंट हो कुछ भी हो। अभी सर तो मानदेय पे कर रहे हैं पूरा, कुछ पेमेंट नहीं ले रहे, तब जाके 1299 पढ़ रहे हैं। हमने 2000 इसलिए रखा, मान लो कोई दूसरे सर मान लो करवाए तो हम कैसे करें, तब हमने 2000 रखा, फिर मैंने कहा सर तो ले नहीं रहे तो चलो 1299 कर लेते हैं, सर अपने सर को बहुत पढ़ाने का शौक है इसलिए पढ़ा रहे हैं वो। तो इस हिसाब से 1299 आपके लिए तो बहुत फायदेमंद हो गया, ये कितना सस्ता आपको मिल रहा है, ठीक है। सेम चीज़ आपकी मिल रही है आपको साइंस के लिए स्पेशल हिस्ट्री कोर्स करना है, ये प्रीलिम्स और मेंस का पूरा इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। एंशियंट हिस्ट्री हो चुकी है, मॉडर्न लगभग 50% कंप्लीट हो चुकी है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री इसकी करवाई जाएगी इसके अंदर में प्रीलिम्स के बाद में, क्योंकि वो स्पेसिफिक मेंस का टॉपिक है, इसके बाद मिडाइवल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जिसको लगता है कि हिस्ट्री के अंदर में दिक्कत है वो ये ले सकता है। आज मैं स्पेसिफिकली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारों को ये मतलब जो भी कॉल्स आ रहे हैं उसके अंदर में हर चीज़ को एक्सप्लेनेशन बच्चे मांग रहे हैं कि क्या क्या अवेलेबल है ऐप के में, स्पेसिफिकली अलग अलग कैटेगरी बनाई गई, लेकिन फिर भी थोड़ा डाउट होता है। तो सोचा कि आज जो ज्योग्राफी की मेरी पहली ओरिएंटेशन क्लास है उसमें ये चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं पूरी की पूरी। इसके नीचे क्या है, टेस्ट सीरीज चल रही है, बता चुके हैं। मान लो हम स्पेसिफिकली फोकस्ड है, वी आर फोकस्ड ऑन स्पेसिफिकली फॉर आरएस प्रीलिम्स एंड आरएस मेंस इंटू फुल, जो आरएस की प्रिपरेशन होती है उस पर फोकस है, बिकॉज वो हमारा डोमेन एरिया है, बहुत टाइम से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरा। तो इसके अंदर में लेकिन फिर भी हमने जितना किया उसमें बहुत आसान आसान ऊपर ऊपर के टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट ग्रेड में दिए गए हैं, तो उनकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, यहाँ पे इतिहास की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप ये भी कवर कर सकते हो अगर आप कोई फर्स्ट ग्रेड में इसमें ले रहे हैं तो। इसके अलावा आपकी आंसर राइटिंग है, ये देखो आंसर राइटिंग का अगर डेमो लेना है तो ये देखिए आरएस मेंस आंसर राइटिंग, यहाँ पे 25 लगभग डेज की आंसर राइटिंग हो चुकी है, 25 डेज की आंसर राइटिंग हो चुकी है। इसको मैं खोल के आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, डेली मेंस आंसर राइटिंग है 25 डेज की, डे 1 10 क्वेश्चंस, उसके आपको आंसर्स मिल जाएंगे, सिनॉप्सिस। आप
इवेल्युएट कर सकते हो। देखो कहीं किसी इंस्टीट्यूट से इवेल्युएशन करा दो, आरएस मेंस टेस्ट सीरीज शुरू होगी, जल्द ही शुरू हो गया मेंस टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर में अगर आपको लगे कि दो महीने प्रीलिम्स से पहले उससे पहले कर लेना कुछ टेस्ट और उसके बाद में बाकी के टेस्ट कर लेना अवेल, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट अवेल कर देगा या मैं कॉपी चेक कर दूंगा ज्योग्राफी की, बहुत ऐसे कर दूंगा आपको बता भी दूंगा, लेकिन आपको कब पता चलेगा कि अगला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आओगा। तो लिखने के लिए प्रैक्टिस जब आप सेल्फ इवेल्युएशन पहले शुरू करो उसके बाद में मेंस की टेस्ट सीरीज का मतलब होता है। अगर मेंस के फुल टेस्ट दे दो और टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो, उसके अंदर मैं खुद खुद के क्वेश्चन कितने निकाल दो चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे इवेल्युएशन नहीं होगा। तो पहले आप ये इवेल्युएशन करके देखिए 25 डेज का, उसके बाद हम जल्दी ही आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें भी आप बहुत ही नॉमिनल फीस रहेगी, जितना कॉपी चेक करने की रहेगी उतना रखना, और उसके मैं आपको जितनी भी गाइडेंस प्रोवाइड हम करवा सकेंगे उतना जरूर कराएंगे। तो ये तो हमारा फुल फ्लेश्ड जो था, जो अपने कोर्स वगैरह चल रहे हैं जहाँ पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो है जो यहाँ पे वेबसाइट में अवेलेबल नहीं, मैं अभी नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन जो चीज़ ऐप में अवेलेबल है, जब आप ऐप डाउनलोड करोगे ना तो यहाँ पे, चलो ये तो आप कह रहे हो कि सर पेमेंट की बात हो गई, चलो पेमेंट नहीं करना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम पेमेंट भी आपको लगता है कि अभी आपका टफ पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐप के अंदर में एक सेक्शन है कम्युनिटी सेक्शन, पब्लिक कम्युनिटी सेक्शन, तो आप वहाँ पे आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं, आप वहाँ पे कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं, किसी भी ऐप डाउनलोड करोगे उसके अंदर में वहाँ पे सिर्फ, तो आप जैसे व्हाट्सएप में यार मैसेज डालते हो वैसे मैसेज डालना है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप मैसेज डालिए, कम्युनिटी सेक्शन में जुड़िए हमसे, अगर कोई गाइडेंस आपको हेल्प चाहिए किसी भी प्रकार की तो वो जरूर यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर डाल सकते हैं। तो ये है हम पहला अकेडमी की तरफ से पूरा, मैंने एक बार डेमो दे दिया, एक दिन ऐप का भी डेमो लेंगे जहाँ पे आपको कैसे क्या कैसे परचेज कर सकते हो, कहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पूरा उसका हम डेमो करवा क्लास होगी जो, या 10-1 मिनट का वीडियो डाल देंगे जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली है चीज़ें यही आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है, सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, बेसिक चीज़ें हैं कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, इसमें से कितना करना चाहिए हमें, वो चीज़ें पढ़ना है आपको, खुद से पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, आप कम्युनिटी सेक्शन में आओ और वहाँ पे पूछ लो, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया अपना डेमो, अब चलेंगे हम बेसिकली जो है ज्योग्राफी की क्लास के ऊपर में, ठीक है। ज्योग्राफी का हम ओरिएंटेशन वाली क्लास है उसको कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा हम ज्योग्राफी पढ़ भी लेते हैं कि क्या होती है ज्योग्राफी, उसके अंदर में बेसिक्स में क्या आता है, तो इसको बंद कर देते हैं, लेट मी सेलेक्ट माय पेन, ठीक है ये रख लेते हैं, तो ये हो गई, ठीक है ये तो हमने बताई दिया, ये है अपना सिलेबस। तो अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, थोड़े से टॉपिक्स हैं, और हमने अर्थ वाला सिस्टम लिया है, अर्थ की जो मोशन वाला पॉइंट लिया है आज, वो कवर करेंगे, उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करें, बहुत ये लंबा चौड़ा सिलेबस है, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है आपका पूरा का पूरा, ठीक है, और ये आपका मेंस का सिलेबस है। अभी मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, उसके बाद थोड़े से टॉपिक देखेंगे, थोड़ा लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक, ठीक है। चलो गाइज फिर शुरू करते हैं, ज्योग्राफी अपना सब्जेक्ट है जो आज की ओरिएंटेशन क्लास में क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं, पहले प्रीलिम्स वाला पोर्शन और मेंस वाले पोर्शन का थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं कि हम कौन सा टॉपिक पहले कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या फ्लो रहेगा हमारा पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो प्रीलिम्स के अंदर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो तीन तो है ये पोर्शन, अपने आपको पता ही होगा अभी तक, तो ये समझाने की जरूरत नहीं, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड करना है आपको, इंडिया करना है और राजस्थान करना है, जिसके अंदर में मेंस में राजस्थान का थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी हो गई आपकी, इंडिया रहेगी और आपकी वर्ल्ड रहेगी, लेकिन वर्ल्ड का हम अभी कंपैरिजन करेंगे कि अलग अलग क्या रहेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हम शुरू करने वाले हैं उसको पहले देखते हैं, ठीक है। सेम चीज़ रहेगी, सेम इंडिया का रहेगा, सेम आपका रहेगा राजस्थान का रहेगा, थोड़ा डिफरेंस है, कुछ टॉपिक यहाँ पे है कुछ नहीं है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो मेंस का टॉपिक है और जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो ये हम सबसे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को नहीं ले रहे हैं क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो मेंस का टॉपिक है, देख लो चाहिए आप, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर में ये जो पार्ट नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है उसको समझने की जरूरत है। स्ट्रक्चर ऑफ समझने की जरूरत क्यों है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि जैसे सियाल क्या होता है, क्रस्ट क्या होती है, सियाल क्या होता है, सीमा क्या है, कोई प्लेट है वो क्यों बन रही है, अर्थ की जो लेयर्स है वो क्या है, कैसे बनी थी अर्थ, उससे जब हमें पता चलेगा उसके बाद में हम ये जो टॉपिक दिया हुआ है जो यहाँ पे मेंस में जो सेकेंड टॉपिक है फिजिकल फीचर बोल दो चाहिए आप, माउंटेन प्लेटू प्लेन डेजर्ट, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है मेजर लैंड फॉर्म माउंटेन प्लेटू प्लेन एंड डेजर्ट, ये सेम चीज है, तो इसको हम अभी प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से
कि क्या माउंटेन कैसे बनते हैं, प्लेटू कैसे बनता है, प्लेन कैसे बनता है, डिजिट्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं वर्ड के अंदर में, उसको कर लेंगे। साथ में कंटेंट भी अपना तैयार कर लेंगे कि जो पढ़ा रहे हैं उसी टाइम हम डाल देंगे कि जितने में इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं वो हर एक माउंटेन्स के बारे में जितनी चार चार या पांच पांच इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें जरूरत पड़ेगी मेंस के टाइम पे, तो वो अभी कवर कर लेंगे। तो ये वाला जैसे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हम समझ लेंगे, इसका मतलब हम लैंडफॉर्म समझ लेंगे कि इसमें लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में इतनी सारी लेयर्स है उससे हम कैसे लैंडफॉर्म अलग अलग टाइप के बन रहे हैं। हम ये देखेंगे माउंटेन्स कैसे बन रहा है, फिर इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन से हैं हर एक कॉन्टिनेंट के ऊपर में, फिर हम देखेंगे प्लेटू बनने का क्या रीजन है, माउंटेन्स हो गया उसके बाद प्लेटू, फिर हम देखेंगे प्लेन्स और फिर डेजर्ट। हो सकता है कि सीक्वेंस चेंज हो जाए लेकिन हम इसी तरीके से देखेंगे, पर इनकी बिल्डिंग प्रोसेस क्या है, बिल्डिंग प्रोसेस के बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल जो लोकेटेड है वो हम पूरा मैप के थ्रू अध्ययन करेंगे उसका। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कर लेंगे पहले, जिसमें आज हम थोड़ा सा देखेंगे अर्थ के बारे में, अर्थ क्या है, अर्थ के अंदर में कैसे रोटेट करती है, जो है नहीं स्पेसिफिकली दिया हुआ लेकिन बेसिक नॉलेज है ये, तो बेसिक अर्थ के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन कई बार पूछ भी लेते हैं इसके अंदर में, नहीं तो किसी और एग्जाम के अंदर में पूछ लेंगे, तो जो बेसिक नॉलेज है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम कल करेंगे, लेकिन आज रोटेशन कैसे होता है, जैसे समर कैसी होती है, विंटर कैसी होती है, बेसिक चीज़ें हम शुरू कर देंगे आज। अब दूसरा टॉपिक यहाँ पे सेम है, तीसरा आता है यहाँ पे अर्थक्वेक वोल्केनो दिया हुआ है, टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपैक्ट, बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक है, सिंपल एक वीडियो के अंदर में ये कंप्लीट होने वाला जैसे टॉपिक है, पूरा कवर करेंगे इसको मेंस के टाइम पे, लेकिन अभी लैंडफॉर्म माउंटेन प्लेटू प्लेन डेजर्ट। फिर आता है रिवर एंड लेक, सेम चीज़ है, रिवर लेक है लेकिन देखो यहाँ के अंदर में क्या है, प्लेन डेजर्ट दिया हुआ है, अर्थक्वेक दिया हुआ है, जियोपॉलिटिकल इशू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ रिवर और लेक नहीं दिया हुआ, तो रिवर जो हमें पढ़नी है वो सिर्फ प्रीलिम्स के स्पेसिफिक ही पढ़नी है, प्रीलिम्स की स्पेसिफिक पढ़नी है। इसका मतलब क्या है, कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो करती है, उसकी ट्रिब्यूटीज क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, कौन से सीज के अंदर में वो गिरती है, और इंडिया की जैसे ये सेम चीज़ आ जाएगी, इंडिया के अंदर में मेजर रिवर लेक किया हुआ है यहाँ के अंदर में, ठीक है, यहाँ इंडिया के जो रिवर्स है वो यहाँ पे देखो सिलेबस मेंस के अंदर में भी दिया हुआ है, इसलिए सिलेबस हर चीज़ का ध्यान से देखना और फिर उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी करना, तभी पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं तो क्या है सारी चीज़ें आप डिटेल में भी कर लोगे तब भी रह जाएगी, क्यों बहुत सारा मैटर हो जाता है, तो स्पेसिफिकली एकदम इंटेलिजेंट तरीके से स्टडी करना है कि कौन सी चीज़ें आ रही है कौन सी नहीं आ रही है। इसके बाद टाइप ऑफ एग्रीकल्चर देखना है हमें, इंडस्ट्रियल रीजन देखेंगे हम, इन्वायरमेंटल इशू है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, इन्वायरमेंटल इशू को और मेंस वाले भी साथ में प्रिपेयर कर लेंगे कि मेंस का भी टॉपिक है। जियोपॉलिटिकल जो करंट इशू चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल भी एक ज्योग्राफी का पार्ट है, आप ये मत देखो कि ज्योग्राफी का सिर्फ है, अगला वाला जो टॉपिक हमारा वो यही है कि ब्रांच कौन सी हमारी ज्योग्राफी के अंदर में क्या क्या आता है, बेसिक बताऊंगा आपको मैं, तो इसलिए यहाँ पे मेजर जियोपॉलिटिकल इशू रखा हुआ है बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर में क्या आता है कि जितने अगर चाइना और इंडिया का डोकलाम इशू हुआ था वो भी जियोपॉलिटिकल इशू आ जाएगा, हिमालय कैसे प्रोटेक्ट कर, हिमालय के कौन से दर्रे हैं, कौन हर जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो इसमें से कौन सा जियोपॉलिटिकली हमने इंपॉर्टेंट है, सियाचिन क्यों इंपॉर्टेंट है, सियाचिन जियोपॉलिटिकल इशू पूछा है, तो कोई इंपॉर्टेंट इशू जो चल रहा है जैसे डोकलाम इशू चला था वो कभी भी आ सकता है, पर पुराना भी आ सकता है, अभी लेटेस्ट भी आ सकता है। इसके नीचे दिया हुआ एनवायरमेंटल इशू, यहाँ भी दिया हुआ एनवायरमेंटल इशू और यहाँ पे लिखा भी है कि कौन कौन से एनवायरमेंटल इशू है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, तो प्रीलिम्स वाले पूरे कवर कर लेंगे अभी हम, एनवायरमेंटल इशू मेंस के अकॉर्डिंग, अगर इसके अलावा कुछ बचेगा तो जैसे ही प्रीलिम्स कवर होता है या उसके बाद में हम क्या करेंगे मेंस का जो बचा हुआ सिलेबस करेंगे उसके साथ में एनवायरमेंटल इशू इनके साथ में ही एड ऑन करके उसको और अपडेट कर देंगे बहुत सारे, और उसको कैसे लिखना है क्वेश्चन आ गया, और जो डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन एक तो होता है प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना, उसके अंदर में तो हमें स्पेसिफिक देख लेंगे कि कैसे डिप्लीट होती है, उसके क्या है पोलर वोर्टेक्स कैसे बनता है, सब चीज़ें कवर कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर में अगर दो नंबर का, पाँच नंबर का, दस नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो हम देखेंगे मेंस वाला सेक्शन करेंगे। तो इसी तरीके से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जब हम करेंगे तो इसका अलग स्पेसिफिक अध्ययन करेंगे और फिर राजस्थान करेंगे, तो पहले हम कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, फिर हम कर रहे हैं राजस्थान का, कि बिल्कुल एकदम एग्जाम के नजदीक होगा तो राजस्थान ज्यादा भी याद रहेगा, इसके लिए उसको पूरा अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें एरेस कर देता हूं, देखो सबसे पहले करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ताकि हम अर्थ को समझ सके, वो भी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो बेसिक मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए। देखो सीधा मैं शुरू कर दूं कि लैंड माउंटेन कहाँ अवेलेबल है, प्लेटू कहाँ है, प्लेन कहाँ है, डेजर्ट है, फैक्ट तो है, फैक्ट की वीडियो बना के डाल दूंगा फिर मैं, फिर समझाने का क्या मतलब हुआ, हमें पहले देखना है लैंडफॉर्म्स क्यों, किसको बोलते हैं लैंडफॉर्म्स, फिर मेजर लैंडफॉर्म्स बने कैसे, अर्थ की किस वजह से बने, तब हमें पता चलेगा कि कुछ एक स्पेसिफिक सेक्शन है लाइक नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पोर्शन है यहीं क्यों अवेलेबल है, ये चीज़ें आप साउथ अमेरिका के अंदर में करोगे तो ये वाला पोर्शन ही क्यों है यहाँ पे ज्यादा, रॉकीज एंडीज माउंटेन जो है वहाँ पे इतने सारे अवेलेबल क्यों है, उसके बाद माउंटेन्स ही हैं जो प्लेटू के अंदर में क्यों बदल जाते हैं, प्लेटू को और किस तो प्लेन एरिया कर दो तो प्लेन बन जाएंगे, फिर डेजर्ट ये कोल्ड क्यों होता है, हॉट डेजर्ट क्यों होता है, सिंपल ये भी नहीं पूछते हर बार, जरूरी नहीं है ये पूछे कि कोल्ड डेजर्ट ये कहाँ पे लोकेटेड है या इनमें से कौन सा कोल्ड डेजर्ट है, तो ये भी पूछ लेंगे, रीजन भी पूछते हैं, इसको समझना इसलिए जरूरी है, रीजन भी पूछते हैं कि कोल्ड डेजर्ट होने की रीजन क्या है, इस एरिया में कोल्ड डेजर्ट
ये होने की रीज़न क्या है, कोई स्पेसिफिक अगर कोई वहाँ पे अपवाद है तो वहाँ पे कोल्ड डिजर्ट होने की रीज़न क्या है, इसलिए पहले थोड़ा सा अर्थ को समझना जरूरी है। तो हम कॉस्मोस से शुरू करेंगे, सन से नज़रिए से देखो कि इन यूनिवर्स के अंदर में अपनी पृथ्वी कैसे दिख रही है, वो कैसे रोटेट कर रही है सन के बाहर। उसके बाद में हम फिर वो जब समझ लेंगे एक क्लास के अंदर में, उसमें हम देखेंगे पृथ्वी कैसे डिवाइड की गई है लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर में। फिर हम देखेंगे कि पृथ्वी की स्ट्रक्चर है जो लिथोस्फेयर बोलते हैं या जो है क्रस्ट है मेंटल है, ये अलग अलग पृथ्वी जो बनी हुई है उसका कंपोजिशन क्या है, उस वो कैसे लेयर में बनी हुई है, लेयर समझ लेंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये जब साथ में एक साथ हुआ करते थे सारे लैंडफॉर्म, उसके बाद में ये अलग अलग किस फोर्स की वजह से अलग अलग हुए हैं और अलग अलग हो गए ये कितने सात कॉन्टिनेंट में क्यूब बनते हैं अलग अलग, और हर एक जगह पे फिर अलग अलग जो हमें ये मेजर लैंडफॉर्म के फीचर है माउंटेन प्लेटू प्लेन और डेजर्ट क्यों मिलते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है, किस में इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा मिनरल्स ये के इंपॉर्टेंट है, ये जियोथर्मल एनर्जी से इंपॉर्टेंट है या फिर प्लेन्स है तो अपने रिच वहाँ पे क्या है कि फर्टाइल सोइल्स है यहीं पे अवेलेबल क्यों है, तो वो सारी चीज़ें तभी हम पढ़ पाएंगे जब हमें पता होगा कि लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं कैसे बनते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं, वैसे भी मेंस तो करना है ही है, तो इसलिए बेसिक जो चीज़ है वो स्ट्रक्चर की वो जान लेते हैं, उसके बाद में जो एडवांस बचेगी उसको हम अलग से और कवर कर लेंगे। अब हम आते हैं कि हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, अभी आज कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं ज्योग्राफी। चलो मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ, ज्योग्राफी कर रहे हैं। वर्ड ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, जब ज्योग्राफी आप पूरा करते हो जैसे फर्क नहीं पड़ता, वर्ड ज्योग्राफी करो इंडियन करो राजस्थान करो, सबका फिनोमिना सेम रहता है। कोई रीजनल लेवल पे वेरिएशन हो सकता है, जिसको रीजनल ज्योग्राफी एक अलग से ब्रांच भी है तो उसके आधार पर वेरिएशन हो सकता है, लेकिन बेसिकली क्या रहता है कि वर्ड ज्योग्राफी है उसका मतलब है वो सारी चीजें डिफाइन करता है कि वर्ड ज्योग्राफी क्या है, इंडियन ज्योग्राफी क्या है और राजस्थान की ज्योग्राफी क्या है। वर्ड ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है, मीनिंग जो बेसिक मीनिंग हर जगह अवेलेबल है या सब लोग मानते हैं वो होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अब देखो आप डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ में क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर के टाइप क्यों पूछ रखे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, या फिर हमें क्लाइमेट क्यों पूछते हैं। अगर आप मानते हो किसी को ये डाउट है कि सिर्फ ज्योग्राफी का मतलब होता है लिथोस्फेयर ले लो या पहली जो लेयर है अर्थ की सरफेस एरिया है उसको ले लो या फिर जैसे माउंटेन बन रहे हैं यही सिर्फ ज्योग्राफी का पार्ट है, तो नहीं, गलत है आप, वो ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है। ज्योग्राफी के अंदर में बहुत सारे ब्रांचेज जो अगली स्लाइड में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए लिया गया आपके लिए, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ज्योग्राफी क्या है। बहुत आसान हो जाती है उसके बाद में रट्टा मारने के लिए स्पेस का देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे स्पेस है, मेरे को याद नहीं आ रहा, बस उतना सोचना पड़ेगा। अगर आपको पता है, कंसेप्ट पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है क्यों है, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी, तो हर एग्जाम से पहले इतना रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या है, ज्योग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ को डिस्क्राइब कैसे करोगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ के बारे में सब चीज़ें डिस्क्राइब करनी है आपको। ऊपर से देखो आप, अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट है बस इतना पता है, अब उसमें क्या क्या है, उसमें एटमॉस्फेयर भी है, उसमें हाइड्रोस्फीयर भी, ओशन भी तो यही है ना अर्थ के अंदर ही है, उसके अंदर में आपको लिथोस्फीयर भी है, इसके अंदर में आपको पूरी लैंड मिली है, भूमि मिली हुई है, भूमि है, समुद्र है, यहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर भी है, उसके अंदर में भी सर्कल चलते रहते हैं, बारिश होती रहती है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है, कहीं पे बर्फ है, कहीं पे आपके डेजर्ट है, पोलर एरिया, डेजर्ट एरिया, तो इस सब डिस्क्रिप्शन को जब स्टडी करते हो उसको बोलते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, अब वर्ल्ड की ज्योग्राफी में क्या आएगा, वर्ल्ड की ज्योग्राफी में ये तो टॉपिक चलो हमें स्पेसिफिक दिए हुए, वर्ल्ड की बेसिकली क्या आएगा, वर्ल्ड के अंदर सारे देखो कॉन्टिनेंट बने कैसे हैं, फिर वर्ल्ड की ज्योग्राफी में आता है उन कॉन्टिनेंट के ऊपर में माउंटेन्स स्पेसिफिक जगह पे क्यों है, कौन से माउंटेन्स है, उसके बाद में आपके प्लेटू है वो क्यों बने हैं, प्लेटू किसको बोलते हैं, फिर आपके प्लेन्स क्यों बने हैं, उन प्लेन्स में भी किसी के अंदर में आप कौन सी खेती कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कौन सा उपयोग में ले सकते हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है वो इस चीज को समराइज कर देता है, इसलिए बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। फर्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर ऐसे नहीं है आरएस में तो पूछने, मुझे नहीं लगता पूछेंगे कभी, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी वॉज फर्स्ट यूज बाई ए ग्रीक स्कॉलर एस्टोथनीस इन 276 to 194 BC, बिफोर सेंचुरी। देखो ऐसे नहीं है कि ज्योग्राफी को आज स्टडी करना शुरू किया, ज्योग्राफी को बहुत पहले स्टडी करना शुरू कर दिया गया था, तो एरिस्टोथनीस है जो इन्होंने पहले सबसे पहले इसको वर्ड लिया या यूज, किसको हम ज्योग्राफी बोलेंगे, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी की दो ब्रांच होती है, जल्दी जल्दी पहले दो स्लाइड देख लेते हैं ताकि आपको एक बना रहे कि कैसे ज्योग्राफी में अंदर में क्या क्या आता है। एक तो होता है फिजिकल पार्ट, जिसके अंदर में क्या आएगा, फिजिकल पार्ट, सोइल हो गई, आपका लिथोस्फेयर हो गया, क्रस्ट हो गया, बेसिक चीज़ें अर्थ किससे बनी हुई है, माउंटेन्स हो गया, वो भी इसमें आएगा, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है आपका, प्लेन कैसे बनी है, सब चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें आप ह्यूमन एंगल डाल दो, ह्यूमन एंगल का मतलब कौन सी चीज़, सेटलमेंट ज्योग्राफी किससे संबंधित है कि हम ह्यूमन कैसे सेटल हुए हैं, अर्बन एरिया में सेटल हैं, जयपुर में सेटल्ड है, तो ये अर्बन ज्योग्राफी का पार्ट होगा। अर्बन ज्योग्राफी का क्यों पार्ट होगा, क्योंकि एक अर्बन निश बन जाता है, उसके बाद में हमें उसको अलग से स्टडी करना पड़ता है। ये चीज़ रूरल एरिया में सोइल सेम है जिसके ऊपर हम यहाँ खड़े हैं, सोइल सेम है जो इसके ऊपर में वहाँ पे गाँव में होते हैं, तो गाँव के अंदर में भी हमारी आ जाती है रूरल ज्योग्राफी। इस तरीके से जब ह्यूमन एंगल आ जाता है, हम कहाँ सेटल्ड हैं,
हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, हमारी इंडस्ट्री स्पेसिफिक जगह पे क्यों है हमारी, तो वो इंडस्ट्री ज्योग्राफी हो गई। इस तरीके से रिमोट सेंसिंग, इन रिमोट सेंसिंग तक ज्योग्राफी के अंदर में शामिल होता है। तो जो ह्यूमन एंगल आएगा, एग्रीकल्चर हो गया, थोड़ा सा पोर्शन दिया ना, एग्रीकल्चर टाइप्स है, वो ह्यूमन एंगल दिखाते हैं कि ह्यूमन जो ज्योग्राफी है मतलब ह्यूमन एंगल। अब इसके आप अलग अलग ब्रांच देखोगे ना तब आपको अच्छे समझ आएगा। फिजिकल ज्योग्राफी दिखाने के लिए जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि जो लैंड फॉर्म है उसको स्टडी करना, रॉक्स किस तरीके की है, यहाँ की रॉक्स, ये प्लेट ऐसे क्यों मूव कर रही है, हमारी स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना हुआ है, इंडिया का साइज ऐसा क्यों है, नॉर्थ अमेरिका का वैसा क्यों है, साउथ अमेरिका का क्यों है, अलग अलग कुछ तो डिफरेंस होगा ना, अपने आप तो नहीं बनाइए आप, ये तो पहले तो एक कंबाइन माना जाता है कि कंबाइन था, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया गया, तो वो चीजें स्टडी की जाती है जियोमॉर्फोलॉजी। इस तरीके से क्लाइमेट को देखते हैं, बारिश क्यों हो रही है, इसी दौरान बारिश क्यों होती है, ज्यादा बारिश अब यहाँ पे गर्मियों में हो रही है किसी जगह पे, कहीं पे सर्दियों में बारिश हो रही है, कहीं पे बिल्कुल हो ही नहीं रही है, रीजन क्या है, ऐसा तो है नहीं कोई डिफरेंशिएट करता है वेदर, लेकिन कोई तो वजह रहेगी, तो उसको हम देते हैं क्लाइमेट जगह। ये फिजिकल का पार्ट है क्योंकि फिजिकल यानी हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्टिंग करता है, हम तो यहाँ रह रहे हैं लेकिन इसकी हमने सरफेस थोड़ी बनाई जयपुर की, वो ऑलरेडी जैसी है वैसी रहेगी, वैसी बनी हुई है। तो जो ओशनग्राफी समुद्र का अध्ययन करेंगे, इस तरीके से बहुत सारी है जो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो सिर्फ बहुत ही छोटे टॉपिक देखने हैं, बहुत ही छोटा पोर्शन है पूरी ज्योग्राफी का, तो लाइक अगर 5% क्या 1% भी नहीं है इसका। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होगा, यानी किसी भी वर्ल्ड इंडियन और राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर में जो ह्यूमन एंगल आ रहा है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी किसी एरिया की इकोनॉमिक्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी बोलते हैं, यानी किसी के इंडस्ट्री हो गई, इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट करता है, एग्रीकल्चर कौन सा है, रिसोर्स कौन से हैं, हम देखते हैं कि किसी एक है छत्तीसगढ़ एरिन में रिसोर्स ज़्यादा है तो उसी एरिया के अंदर में रिसोर्स ज़्यादा क्यों है, रिसोर्स होंगे तो ह्यूमन पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, इंडस्ट्री कोई लोकेशन कहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट कैसे अफेक्ट हो रहा है, यानी कि कौन सी, अगर एग्रीकल्चर से भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है, डायरेक्ट सोइल से भी रिलेटेड है ट्रांसपोर्ट, आप माउंटेन में थोड़ी कर सकते हो, माउंटेन में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो जो ह्यूमन एंगल आ जाता है उसको बोलते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट बताए इसको, अर्बन है रूरल है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी लाइक हमने देखा था कि कौन सी एरिया है जो जियोपॉलिटिकल इशू, मेंस के अंदर में दिया ना जियोपॉलिटिकल इशू या जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफी हमें जो करनी है, तो इसलिए ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है कि कौन सा एरिया है जो पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया के अंदर में आता है। कल्चरल ज्योग्राफी कौन से एरिया के अंदर में ट्राइबल्स है और कल्चरल पीपल लिव इन करते हैं और वहां पे वैसा क्यों लिव करते हैं वो, तो ये ब्रॉड एक डेफिनेशन है जिसकी जरूरत नहीं है याद नहीं करने किसी को भी, ये सिर्फ समझाने के लिए दिए गए हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी अगर वर्ड आ जाए कहाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ड आ जाए क्यों है, लिया एक एग्रीकल्चर वाला पोर्शन क्यों दिया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इसमें स्पेसिफिक क्या देखना है, इसमें हमें ये नहीं देखना कि क्या है, हमें देखना है कि जिस माउंटेन्स या जिस जगह पर दिया गया वहाँ पे किसी भी जो ह्यूमंस है उनका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, वो वहाँ पे वही चीज़ क्यों उगा रहे हैं, वहाँ पे किसी सोइल की वजह से ही उगा सकते हैं या क्लाइमेट की वजह से, बहुत सारा इफेक्ट होगा, तो वो एंगल आ जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी का। ये है बेसिकली एक ज्योग्राफी का पूरा, जिसमें वर्ल्ड इंडिया कोई सा भी कहीं भी जाओ रीजन, ये तो छोटी जगह से हम अर्थ से शुरू करेंगे, फिर अर्थ के स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में अलग अलग माउंटेन वगैरह कैसे बने, फिर वर्ल्ड में फिर हम आएंगे इंडिया के ऊपर में, फिर इंडिया को स्टडी करेंगे, फिर आएंगे हम राजस्थान के ऊपर में, तो धीरे धीरे स्टेप वाइज करेंगे। लेकिन फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी कॉन्स्टेंट है, वो हर स्पेसिफिक रीजन के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी सेम रहेगा। ठीक है, तो हम ये टॉपिक आज करने वाले थे, आगे से बेसिक करते हैं, हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह देखते हैं, हम उसके बाद में हम ये देखते हैं कि रोटेशन क्या होता है, मोशन ऑफ अर्थ स्टडी करने थे, लेकिन आज जैसे ही हमने सिलेबस डिस्कशन किए तो उसी के ऊपर में रहते हैं, कैसे कितना सिलेबस डिस्कशन कर लिया, हम आगे से क्या करना है तो कल वाली क्लास के अंदर में हम देखेंगे दोस्तों कि कितना स्पीड से हम जाएंगे, किस पेस से हमें पढ़ाई करनी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को कितना टाइम देना है। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ में, मोशन ऑफ अर्थ से शुरू करेंगे, उसके बाद लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रोटेशन रिवोल्यूशंस इक्विनॉक्स सोलिस्ट्स जो भी अपने सिलेबस का पार्ट है वो हम पूरा कवर करेंगे, पहले अर्थ का प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जाएंगे, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के हर एक कॉन्टिनेंट को देखा जाएगा कि उसके अंदर में माउंटेन्स क्या है, प्लेन्स क्या है, तो वो जितना सिलेबस के अंदर में है उतना ही करेंगे, ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम आज की क्लास के देने के लिए, और हमने ये सिलेबस देखना भी जरूरी है और ये बताना भी जरूरी था कि हम क्या चीज़ें अवेलेबल, क्या हम एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ साथ बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को और बने रहिएगा, ऐप पे कम्युनिटी सेक्शन में जरूर रहिएगा, ऐप पे कम्युनिटी सेक्शन में वेट कर रही हैं कि वहाँ पे आप अगर कोई डाउट हो वहाँ पूछ सकते हैं, और यूट्यूब की क्लास होगी उसके अंदर में डाउट भी पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि लाइव करें, लेकिन जब तक लाइव नहीं हो पाती है तब तक रिकॉर्डिंग पे चलते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।